नमस्कार। दही के बारे में हमने पिछले 2-3 वीडियोस YouTube पे डाले थे, तो उस समय बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट सेक्शन में सवाल पूछे थे कि कभी तो आप कहते हो दही बहुत अच्छा है और फिर कभी कहते हो दही बहुत खराब है, आप कंफ्यूज कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें दही के बारे में। तो उसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आज हम लाए हैं यह नया वीडियो, जिसमें आज हम जानेंगे कि दही कौन कौन सी कंडीशन में सही है और कौन कौन सी कंडीशन में यह स्वास्थ्य के लिए दुश्मन भी बन जाता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दही के बारे में सबसे सही अगर बातचीत हमको जानना हो तो उसके लिए चलते हैं सीधा आयुर्वेद की एक पुस्तक, उसका नाम है अष्टांग हृदय। इसे वाग्भट ऋषि ने लिखा है और इसमें वो दही के बारे में क्या बताते हैं वो जानते हैं। अभी ये मेरे हाथ में अष्टांग हृदय नाम की पुस्तक है, इसमें हम चल के आज जानेंगे कि दही के बारे में आयुर्वेद का क्या कहना है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 5वां चैप्टर श्लोका नंबर 29 से लेकर 32 तक, इसमें दही का पूरा वर्णन है कि कब कब दोस्त है और कब कब मित्र है। इसके एक एक श्लोक पढ़ते जाएंगे और फिर उसकी मीनिंग हम जानते हैं, उसके हर एक श्लोक को पढ़ पढ़ के हम उसकी मीनिंग समझेंगे। सबसे पहले श्लोक में वाग्भट ऋषि कहते हैं, अम्ल पाकर समग्राही गुरु उष्ण दधि वात जीत, अर्थात दही अम्ल रस खट्टा है नेचर में और ग्राही है, ये कोई भी चीज को जैसे यूरिन लूज मोशन, जब लैट्रिन बहुत होती है तो उस टाइम पे उन चीजों को रोकता है, ग्राही है। गुरु उष्ण दधि वात जीत, गुरु और उष्ण दही हैवी है और उष्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द ये है उष्ण। बहुत से लोगों के दिमाग में ये चीज बैठी हुई है कि दही ठंडा है और दही शरीर में ठंडक करता है, आयुर्वेद कहता है बिल्कुल भी नहीं, दही उष्ण है, गर्म है नेचर में और ये शरीर में गर्मी पैदा करता है। वात जीत, ये शरीर में वात को जीतता है। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं कि दही हमारा कब कब बेस्ट फ्रेंड है या दही कब कब खाना चाहिए। पहला शब्द है वात जीत, अर्थात जब हवा के रोग हो, वायु के रोग हो, शुद्ध हवा के रोग, ऐसे लोग जो एकदम पतले हैं, जिनकी बॉडी एकदम सूखी हुई है, वो जोड़ों के दर्द से परेशान है या हवा की किसी भी तरह की बीमारी से परेशान है, तब उनके लिए दही सही है। अगला श्लोक में वो कहते हैं, मेदः शुक्र बलः श्लेष्मा पित्त रक्त अग्नि शोफकृत, अर्थात मेद यह चर्बी बढ़ाता है, तो ऐसे लोगों के लिए जिनको बॉडी में वेट गेन करना है, वजन बढ़ाना है, उनके लिए दही सही है। YouTube पे ऐसे बहुत से चैनल है जिन्होंने ये कहा है कि दही खाओ वजन घटाओ ऐसा वैसा, आयुर्वेद कहता है कि दही मेद चर्बी फैट को बढ़ाता है। शुक्र, जिन लोगों को अपनी शुक्र धातु बढ़ानी है या सभी धातुओं को नरिश करना है, उनके लिए दही बहुत सही है। बलम श्लेष्म, यह शरीर में बल पावर स्ट्रेंथ बढ़ाता है, तो ऐसे लोग जो हैवी वर्कर है, जो बहुत रनिंग करते हैं या कोई भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करता है, उनके लिए दही सही है। श्लेष्म रक्त पित्त अग्नि, अर्थात ये शरीर में कफ बढ़ाता है, दही शरीर में पित्त और कफ ये दो के दोनों दोषों को बढ़ाने का काम करता है, यह रक्त को भी बढ़ाता है। अग्नि शोफकृत, अर्थात ये शरीर में डाइजेशन पावर अग्नि को स्ट्रांग करता है और सूजन शरीर में शोथ ले आने का काम करता है। फिर और एक अगले श्लोक में इसके फायदे बताते हैं, रुचिष्णु शस्त्र मारुचौ शीत के विषम ज्वरे, कौन कौन सी कंडीशन में दही सही है खाने के लिए। तो वो कहते हैं कि ये भोजन में रुचि बढ़ाता है, ऐसे लोग जिनको खाना खाने का मन ही नहीं करता, खाने में मजा नहीं आता, उनको खाने में अगर स्वाद बढ़ाना हो तो दही परफेक्ट है। इसका प्रयोग अरुचि में किया जाता है, जाड़ा लगकर आने वाले विषम ज्वर में, मतलब ऐसे लोग जिनको ठंडी लगने के कारण, ठंडी हवा में बाइक चलाया या ठंड का मौसम था और हवा लग लग के उनको बॉडी में बुखार आया है, फीवर आया है, तब दही सही है। पीनस रोग में, जिनको नाक से पतला पानी गिरता है, ऐसे लोग जिनको हमेशा नाक बहती रहती है, एकदम पतला पानी का श्राव होते रहता है, तो दही कफ को बढ़ाता है और वो उस ब्लॉक जो पानी बह रहा है उसको स्टॉप करने में मदद करता है। मूत्रकृच, ऐसे लोग जिनको यूरिन रुक रुक कर आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, तभी भी दही उनके लिए सही है। ग्रहणी रोग में रुक्ष मक्खन निकाला हुआ दही हितकर है, अर्थात ऐसी बीमारी जिसमें कभी पेट साफ हो जाता है, कभी कब्ज हो जाती है, खाना खाने के बाद तुरंत मोशन जाना पड़ता है, जिसको कि IBS कहा जाता है, उस बीमारी में दही सही है। तो इतनी सारी कंडीशन में
दही अच्छा है, फायदेमंद है, उंगलियों के लिए अच्छा है, जिनको वजन बढ़ाना है या जिनको शरीर में चर्बी लानी है, उन सब के लिए बहुत सही है। पर ये दही कुछ ऐसे भी टाइम है जब दुश्मन बन जाता है, या अगर इसका प्रयोग गलत तरीके से किया जाए तो ये शरीर के लिए दुश्मन बन जाता है। कब, वो भी जान लेते हैं। नैवम दद्यात् निशि न वोष्ण वसंतोष्ण शरद सुना। अब वार्निंग देते हैं वाग्भट ऋषि, फायदे तो बहुत से बता दिए। कहते हैं कि दही कभी भी रात में मत खाओ। अगर कोई दही रात में खाता है ये सोचता है कि उसको फायदा करेगा, तो वो दही उसके लिए खराब है। दही को आग पर तपाकर मत खाओ। दही की जो कड़ी ये सब जो आइटम बनते हैं ये बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, कभी कभार ही ठीक। वसंत ग्रीष्म और शरद ऋतु में दही मत खाएं। वसंत अर्थात मार्च अप्रैल, ग्रीष्म अर्थात मई जून, या जो गर्मियों का मौसम है। जितने भी लोग ऐसे हैं कि जो गर्मियों में दही खाते हैं ये सोच के कि वो उनको ठंडा करेगा, फायदा करेगा, उसके लिए या उनके लिए दही अच्छा नहीं है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। और शरद ऋतु अर्थात जब अक्टूबर के आसपास का महीना आता है, उस टाइम पे भी दही सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अब हमने पिछले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें दही के 5 बेस्ट फ्रेंड ऐसे करके वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि दही अकेला कभी नहीं खाना चाहिए, किन चीजों के साथ खाना चाहिए, उस बारे में वाग्भट ऋषि कहते हैं। ना मुद्ग सूपम ना शौद्रम, अर्थात बिना मूंग के दही मत खाओ, शहद के बिना दही मत खाओ। फिर आगे कहते हैं तत्र घृत शीतोपलम, अर्थात बिना घी के, बिना मिश्री के दही नहीं खाना चाहिए। न चा आम्लकम नापी, बिना आंवले के दही मत खाओ। नित्यम नो मधुमन्य था, और दही डेली मत खाओ। ये जो 4-5 चीजें बताई गई, जैसे कि शहद है या फिर घी है या आंवला है या फिर मूंग है, इनके बिना, या मिश्री है, इनके बिना दही कभी मत खाओ और डेली दही मत खाओ, ये भी एक वर्णन है। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि दही रोज खाना चाहिए, दही बहुत अच्छा टॉनिक है, या दही के अंदर ये विटामिन मिनरल, ये कैल्शियम आयरन जो कुछ भी है मिलेगा, पर आयुर्वेद कहता है भाई सेहत अच्छी रखनी है तो दही रोज नहीं खाना। अब दही कब दोस्त है कब दुश्मन है ये तो बता दिया, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहेंगे माय लाइफ माय रूल, आयुर्वेद जाए तेल लेने, हमको क्या लेना देना, हम तो खाएंगे। तो उसके बारे में भी आयुर्वेद ने कहा है कि अगर आप खान पान के नियमों को तोड़ेंगे तो उससे क्या होगा, खास करके दही के केस में। वो बताते हैं ज्वराष्ट्रक पित्त, सबसे पहले तो फीवर, बॉडी में ज्वर होने की तकलीफ होगी, या रक्त पित्त, शरीर में खून बिगड़ने लग जाएगा। अब ऐसा नहीं कि आपने एक दिन गलत तरीके से दही खाया तो आपको फीवर आ जाएगा या खून निकलने लगेगा, ये लंबे समय तक जो लोग कंटिन्यू खाते हैं उनके बारे में है कि आपको या तो फीवर होगा या शरीर में अंदर ही अंदर खून बिगड़ता जाएगा और आगे चल के वो ब्लीडिंग होगी, चाहे नाक से हो, यूरिन से हो, लैट्रिन से हो, कहीं पर भी हो। विसर्प, शरीर पे जो हर्पीस होता है, चर्म रोग, लाल लाल हो जाता है उसमें। कुष्ठ पांडव, कुष्ठ स्किन के जितने भी डिसऑर्डर है वो नॉर्मल डैंड्रफ से लेके खुजली, सोरायसिस, इन सब तक, वो सभी पांडव, शरीर में खून ना बनना, एनीमिया जिसे कहते हैं, रम प्रदम और चक्कर आना, ये सभी बीमारियां दही करता है। तो दही बेस्ट है जब ठंडियों में यूज करना हो, जिनको वजन बढ़ाना हो, जिनको मोटा होना हो, उनके लिए अच्छा है। पर गर्मी के मौसम में, गर्मी से होने वाली बीमारियों में दही अच्छा नहीं है। एक और सवाल अब लोग बोलेंगे, हमारे तो बाप दादा खाते थे, हम भी खाएंगे, क्या हो जाएगा? तो भाई बाप दादा खेतों में भयंकर मेहनत करते थे, जो कुछ भी खाया वो हर एक पार्ट हजम हो जाता था, उनका पाचन शक्ति हमसे कई गुना ज्यादा स्ट्रांग था। हम दही खा तो लेते हैं पर हार्ड वर्क के मामले में एसी में बैठ के मोबाइल में सिर्फ स्वेप करने का काम करते हैं, तो फिर वो दही कहाँ से हजम होगा? तो आयुर्वेद में दही कब सही और कब खतरनाक है ये बता दिया गया है। उम्मीद है आयुर्वेद की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और जो दही के बारे में कन्फ्यूजन था वो क्लियर हुआ होगा। ऐसी ही जानकारियों के लिए YouTube पे हो जाए आयुर्वेद इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।